भारत में आतंकवादियों को भेजने वाला पाकिस्तान खुद अपनी जमीन पर आतंकवादियों के सामने घुटने टेक चुका है और यही वजह है कि हाफिज सईद जैसे आतंकी अब खुलेआम पाकिस्तान सरकार को चुनौती दे रहे हैं। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान में अब आतंकियों का ही राज चलने वाला है? क्या पाकिस्तान में होगी आतंकियों की हुकूमत? मुंबई हमले का मास्टरमाइंड, जमात उद दावा का मुखिया और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी हाफिज सईद पाकिस्तान में खुलेआम रैलियां कर रहा है। अब तक वो भारत के खिलाफ जहर उगलता था, अब अपनी ही सरकार को चुनौती दे रहा है कि हिम्मत है तो उसे गिरफ्तार करके दिखाएं। पाकिस्तान की चुनी हुई सरकार इस आतंकी के सामने कितनी पौनी हो चुकी है, ये इस बात से साबित होता है कि अब वो दावा कर रहा है कि वो जिसे चाहे उसे प्रधानमंत्री बना सकता है। शरीफ मेरे साथ कश्मीर की आजादी के लिए मैदान में खड़ा हो जा, इंशाल्लाह हम तुझे कश्मीर का नहीं पूरे पाकिस्तान का वजीर आजम बनाए, करो तो सही। जब हाफिज लाहौर में बैठकर नवाज शरीफ को ये ऑफर दे रहा था, उस वक्त खुद नवाज शरीफ पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर के मुजफ्फराबाद में अपनी बेटी मरियम के साथ रैली कर रहे थे। मरियम नवाज ने इस रैली में भारत के खिलाफ वही जहर उगला जो हाफिज करता रहा है। आज हम यहाँ आजाद कश्मीर में खड़े होकर कश्मीर का दिन मना रहे हैं। दुआ करो इंशाल्लाह ताला वो दिन भी आए कि हम श्रीनगर में सारे गुलामी से निजात का दिन मनाएं। कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा। देखिए नेहा, इसमें जो नवाज शरीफ हैं और ये जो आतंकी सरगना है हाफिज सईद, इनके रिश्ते बदलते बिगड़ते रहते हैं। ढाई महीने पहले हाफिज सईद ने कहा कि नवाज शरीफ गद्दार है, भारत से डिक्टेशन लेता है, भारत की बात सुनता है। आज वो दोस्ती की बात कर रहे हैं क्योंकि वहाँ चुनाव होने वाले हैं। तो कुल मिलाकर ये चुनावी दोस्ती है, चुनावी चाल है दोनों तरफ से, आतंकी सरगना की तरफ से भी और पूर्व प्रधानमंत्री की तरफ से भी। बिल्कुल, और जब पाकिस्तान अपना रंग दिखा ही रहा है तो भारत को इसका इस्तेमाल करके पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर और बेनकाब करना चाहिए। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।